नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप का पेमेंट रिलेटेड और एक नया गुड न्यूज लेके आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव हुआ जिसका प्रूफ दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि क्या 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 आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होगा उसके बाद पेमेंट मिलेगा। और तो और बहुत स्टूडेंट का फॉर्म पेमेंट फॉर रिजेक्टेड बाई एजेंसी हो गया था, उन सभी स्टूडेंट को भी अभी पेमेंट मिलना शुरू हो गया। तो कैसे आप लोग को पेमेंट फॉर रिजेक्टेड होने के बाद सुधारना है, क्या क्या वेरिफिकेशन होगा और कब तक आपको पेमेंट रिसीव होगा, चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में हम आप लोगों को बताने वाला। तो वीडियो को एक बार टाइम निकाल के जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नया नया अपडेट हमेशा पाने के लिए। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, क्योंकि जो भी नया अपडेट आता है सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ NSP का पेमेंट का प्रूफ के बारे में। तो देख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद वो फ्रेश लॉगिन करते हैं या फिर रिन्यूअल जो करते हैं वो रिन्यूअल में लॉगिन करते हैं। तब सभी स्टूडेंट को बता दूं कि पहले अगर कभी भी आप अगर एक बार NSP में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिन्यूअल ही करना रहता है। चलिए अभी स्टूडेंट का पेमेंट का प्रूफ दिखा रहा हूं। तो आप लोग जब नेशनल स्कॉलरशिप का स्टेटस को चेक करेंगे तो पहले फ्रेश अप्लाई किए तो फ्रेश में लॉग इन कर लीजिए, या रिन्यूअल किए तो रिन्यूअल में लॉग इन कीजिए और अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कीजिए कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा। अगर आपका एप्लीकेशन सेंड टू PFMS पर पेमेंट हो गया तो अभी आपको कैसे चेक करना चलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद बात करता हूं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या फिर इंस्टीट्यूट वेरीफाई हुआ तो आप लोग वेट कीजिए। और एक गुड न्यूज और एक देना चाहूंगा कि आप लोग का जो पोस्ट मैट्रिक मेरिट कुमींस और बेगम हजरत का इंस्टीट्यूट वेरीफिकेशन का लास्ट डेट है वो डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है 8 फरवरी तक, ठीक है। वैसे ही नेशनल मीन्स क्यू मेरिट और यहाँ पर देख सकते नेशनल फेलोशिप का भी 8 फरवरी तक कर दिया, नेशनल मीन्स क्यू मेरिट का भी 8 फरवरी 2022 तक लास्ट डेट कर दिया गया है, लेकिन सेंट्रल स्कीम का डेट को एक्सटेंड नहीं कराया। तो आप लोग अपना फॉर्म को इंस्टीट्यूट लेवल जल्द से जल्द वेरीफाई करा ले, और अगर डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट मांगते हैं तो डॉक्यूमेंट को भी वहां अगर जमा देना रहता हार्ड कॉपी तो जमा जरूर करें, ताकि आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट वेरीफाई करे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरीफाई करे। अभी जिनका फॉर्म एप्लीकेशन सेंड टू PFMS हो गया है, जिसका डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई हो गया, फिर स्टेट भी वेरीफाई हो गया, फिर मिनिस्ट्री वेरीफाई होने के बाद सेंड टू PFMS अगर हो गया है तो आप लोग को लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, चेक NSP स्कॉलरशिप स्टेटस बाय एप्लीकेशन नंबर। फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर से आप लोग अपना NSP का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, देख सकते हैं चेक स्टेटस बाय एप्लीकेशन नंबर क्लिक है यहाँ पर। अगर आपको जानना है कि कौन सा स्कीम में इस नेशनल स्कॉलरशिप का किस में कितना पेमेंट मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए अभी स्टेटस को चेक करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करते हैं तो ये PFMS का साइट में चला जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इस वेबसाइट में कोई भी नेशनल स्कॉलरशिप का पेमेंट जितना स्टूडेंट को सेंड करते हैं तो वो अपना रिकॉर्ड इस वेबसाइट में रखते हैं। किसी भी साल में आपको कभी भी पेमेंट रिसीव होता तो वो शो करता। आपको क्या करना रहेगा, आप अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पर सर्च कीजिए, जैसे स्टेट बैंक है तो थोड़ा सा स्टेट लिखेंगे ऑटोमेटिक आएगा स्टेट बैंक, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सभी बैंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप अपना बैंक अकाउंट नंबर को लिखेंगे जो NSP में दिए हैं और कैप्चा कोड डाल के सर्च करेंगे, या फिर शॉर्टकट तरीका आप अपना नेशनल स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन नंबर है तो उस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर NSP एप्लीकेशन ID में यहाँ पर उसको लिख दीजिए, और ये कैप्चा कोड जो वेरिफिकेशन कोड दिखाई दे रहा है इसको लिखना है और सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका डाटा फाइंड हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर फाइंड हो गया। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, कौन सा स्कीम के लिए अप्लाई किए वो दिखेगा, कौन सा स्टेट से वो भी दिखेगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं गुड न्यूज ये है कि इस स्टूडेंट का पेमेंट एक बार देख सकते हैं, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाई एजेंसी हो गया था, उसके बाद स्टूडेंट को आज जाके पेमेंट रिसीव हो गया, देख सकते हैं 5 फरवरी को। तो अगर आपको पेमेंट मिला कि नहीं मिला कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, और आपका स्टेटस क्या है उसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी प्रॉब्लम है कि पेमेंट फॉर रिजेक्टेड बाय एजेंसी हो जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद कैसे फॉर्म वेरीफाई होता है, तो उसके लिए एक वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देख सकते हैं इस स्टूडेंट का पेमेंट फॉर रिजेक्टेड बाय एजेंसी हो गया, उसके बाद अभी आज देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस हो गया और इसको इसका जो पेमेंट वो बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो गया, UTR नंबर भी मिल गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ID भी मिल गया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव हो गया। तो आपको पेमेंट मिला कि नहीं मिला कमेंट में जरूर बताइएगा, और जहां तक उम्मीद है कि मार्च तक लगभग स्टूडेंट को पेमेंट मिल जाएगा जो फर्स्ट टाइम में अप्लाई किए थे।
और जिसका फॉर्म अभी भी डिस्ट्रिक्ट या इंस्टीट्यूट से ही वेरीफाई हो रहा जो लास्ट टाइम में अप्लाई किए थे, उन लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, मार्च अप्रैल मई जून तक स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव होता है। तो अगर आप लोग की जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर वेबसाइट का लिंक दे दिए, आके आप लोग NSP का पेमेंट का स्टेटस को चेक कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट।